कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करे अपने IASPSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में कलछुरी। तो ये सोमवंश जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, एक मैकाल वाले जो सोमवंश थे उसका कुछ खास आपको नहीं मिलता, उसको भी कलछुरी जो है वो हरा देते हैं। उड़ीसा वाले सोमवंश जो है उसको अलग से, उड़ीसा नहीं, वो हमारे दक्षिण कोसल का ही था, जो इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। कलछुरी के बारे में हम लोग जानते हैं आज। आज पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे कि कलछुरी कैसे हैं और कब तक शासन के, एक ओवरव्यू। इसके बाद एक एक राजा के बारे में, क्योंकि कलछुरी जो है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से आपका मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप मध्यकालीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का आपका मध्यकालीन जो इतिहास है ये आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मध्यकालीन इतिहास, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कलछुरी। अब कलछुरियों के बारे में कौन नहीं जानता है ना, वो डेटा बहुत सारे नए रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ का आपका माता महामाया का टेंपल है रतनपुर। ठीक है, ये काफी समय तक, बहुत लंबे समय तक ये आपकी राजधानी रही है, किसके, कलछुरियों के। इसीलिए हम रतनपुर के कलछुरी के नाम से इसको ज्यादा जानते हैं। ठीक है, जबकि आपकी कलछुरियों की प्रथम राजधानी रतनपुर नहीं रही है, वो तो तुम्मान थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, ये रतनपुर के कुछ इंपॉर्टेंट आपके मंदिर हैं जो रहस्य से भरे हुए, ये बोला जाता है सुरंग भी है ना, ये सुरंग आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपके टेंपल है पुराने रतनपुर का किला, और बहुत सारे प्राचीन जो खंडहर हैं, आज के डेट में तो खंडहर हो चुके हैं, ये सारी चीजें आज भी देखने को मिलती हैं आपके रतनपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, और रतनपुर वगैरह का जो किला है वो केंद्र संरक्षित स्मारक है भाई, याद रखेंगे। ठीक है, आपका सेंट्रल हेरिटेज है, कलछुरियों ने इतने लॉन्ग टाइम तक यहां पर शासन किया। यहां से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो वो कलछुरियों से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कलछुरी राजवंश की स्थापना से ही माना जाता है आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री। यहां से डिटेल में हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, ठीक है, आर्किटेक्चर, टेंपल्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, इवन देन लिटरेचर भी, कंप्लीट सोर्सेस हमको मिलता है। लिटरेरी सोर्सेस की अगर हम बात करें, कलछुरी ने लगभग 9वीं सदी से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, शासन किया, तो 950 के आसपास लेते हैं या फिर 1000 हम लोग लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक शासन किया, और कलछुरी को ही है राजपूत भी बोला जाता है। ये त्रिपुरी से मिल लिया है, ठीक है, आपका जो आज देखे होगे त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के पास, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहीं से यहां पर आए। वहां पर जो कोक्कल फर्स्ट जो राजा हुए है ना, उनके बेटे 18 बेटे थे, उसमें से जो सबसे बड़े बेटे हैं शंकरगढ़ सेकंड, उनका नाम मुग्धतुंग के नाम से भी जाना जाता है, उसको भेजा गया इस एरिया में, और उन्होंने पाली क्षेत्र में क्या किया, बाणवंशी जो शासक थे उसको हराया और यहां पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो इन्होंने अपने भाइयों को यहां पर भिड़ा दिया मंडलेश्वर बना करके और खुद चले गए त्रिपुरी। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें जो कलछुरी थे, इन्होंने क्या किया, अपने भाइयों को, ठीक है, शंकरगढ़ जो सेकंड था मुग्धतुंग, उन्होंने अपने भाई को बैठा दिया। फिर जैसे ही सोमवंशी शासक जो पता चला उनको, ठीक है, कि ये कमजोर हुए उसके भाई लोग, और वो राजधानी तो काफी दूर है त्रिपुरी, तो जैसे ही मौका पा करके उसको हरा दिए और सोमवंशी लोग फिर से अपना कब्जा कर लिए। तो फाइनली 1000 में लक्ष्मण राज करके त्रिपुरी में एक राजा हुए, उनके बेटे आए कमल राज। कमल राज ने, ठीक है, यहां पर आया और सोमवंशी रूलर को हराए, और सोमवंशी रूलर को हरा करके, ठीक है, यहां पर अपनी सत्ता स्थापित की और तुम्मान को अपनी राजधानी भी बनाई, और यहीं से वह रह करके शासन करने लगे। याद रखिएगा कलिंग राज, इसीलिए कलिंग राज को आपके छत्तीसगढ़ के कलछुरी का आपका वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कलछुरी का हमारा जो फाउंडर है कौन है, कलिंग राज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका कलिंग राज एक्चुअल फाउंडर है आपके कलछुरी के, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, आप लोग याद रखिएगा। 9वीं सदी के अंत में, ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है ये सारी चीजें वही है जो मैं बताया, विक्रमादित्य बाणवंशी शासक को हराया, किसने हराया, तो शंकरगढ़ सेकंड मुग्धतुंग ने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अपने भाई को इस प्रदेश में नियुक्त किया गया। कलछुरी ज्यादा समय तक यहां शासन नहीं कर पाए, उड़ीसा के जो सोनपुर में आसपास सोमवंशी रूलर थे उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया,
और फाइनली 1000 ईस्वी में लक्ष्मण राज के पुत्र कलिंग राज जो है वो छत्तीसगढ़ आए, सोमवंशियों को हराए और तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया। इसीलिए आपका कलिंग राज को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का एक्चुअल फाउंडर जो है वो बोला जाता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो रतनपुर और रायपुर दो आपको कल्चरें मिलेंगे, दैट मींस एक शाखा भी बन गई उसकी, शाखा दो नहीं थी, मेन आपका रतनपुर ही था, एक और ब्रांच बाद में बन गया। ठीक है, लोग बोलते हैं कि भाई कोई 9वीं शताब्दी बोलता है, कोई 11वीं शताब्दी बोलता है, ये अलग अलग जो इतिहासकार हैं इनका मत है, इनका व्यूज है जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं तो व्यूज भी डिफरेंट होंगे। तो रायपुर जो शाखा है वो एक्चुअली में रतनपुर वाले ही इनके ही क्या थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने भेजा कि भाई यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उतना दिक्कत हो रही है, आप वहाँ पर जा करके संभालिए। बाद में क्या किए इसके जो बेटे आएंगे, ठीक है अभी हम बात करेंगे, उन्होंने क्या किया, जो लक्ष्मी देव थे है ना, उनके बेटे जो आए सिंघनगढ़ जो थे, ठीक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो 18 लगभग गढ़ पे कब्जा कर लिया, माने जीत लिया शिवनाथ के दक्षिण में जितना भी था, इसलिए वो आपका शिवनाथ बोलते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर और आपके बिलासपुर के, ठीक है 18 गढ़ रतनपुर और रायपुर के, तो ये रायपुर वाले के कब्जे में आ गया। इसी को ही हम लहुरी शाखा के नाम से भी जानते हैं, रायपुर शाखा को याद रखिएगा। और रतनपुर मेन है आपका ब्रांच है ना, ब्रांच नहीं है वो, ये आपका ब्रांच जो है एक शाखा के रूप में डेवलप हुआ रायपुर वाला, जिनकी प्रथम राजधानी थी खलवाटिका, आज खल्लारी के नाम से जानते हो जिसको, खल्लारी माता का टेम्पल है महासमुंद जिले में पड़ता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए दो मिलेंगे। देखो त्रिपुरी की कलचुरी ने 9वीं सदी के अंत में अपनी शाखा स्थापित करने का प्रयास किया, कहां, छत्तीसगढ़ में, त्रिपुरी वाले हैं वो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं मेनली, कहां, रतनपुर वाले क्षेत्र में तुम्मान में। तो कोक्कल प्रथम के जो पुत्र थे, ठीक है वही कहानी है, प्रदेश पर बाणवंश से शासक को हराया, जीत लिया, शंकरगढ़ अपने छोटे भाई को यहां पर नियुक्त कर दिया, कहां पर, रतनपुर में। लेकिन फिर रतनपुर क्षेत्र है एक्चुअली में वो कहां पर किया था, पाली वाले क्षेत्र में, कोरबा में। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें रायपुर में, तो रतनपुर के जो कलचुरी थे 14वीं सदी के आसपास, ठीक है कुछ लोग 13वीं मानते हैं, 11वीं मानते हैं, कुछ आपका 13वीं मानते हैं, यहां पर शाखाओं में विभाजित हो गए और रायपुर शाखा स्थापित हुई 14वीं सदी में। अगर हम बात करें तो यहां पर इनके जो रिश्तेदार थे लक्ष्मीदेव, प्रतिनिधि के रूप में एक रिप्रेजेंटेटिव, कहां के, कलचुरी के, ये लोग आए, खल्लवाटिका इनको भेजा गया, माने खल्लारी। ठीक है, लक्ष्मीदेव के पुत्र जो सिंघनदेव थे, इन्होंने क्या किया, 18 गढ़ पर कब्जा कर लिया, और जो त्रिपुरी के कलचुरी लोग यहाँ रतनपुर में आए, तो रतनपुर की जो कलचुरी थी उसकी सीधा सीधा उसको डिनाई कर दिया, जैसे ये बाद में किए ना, अभी पढ़ेंगे हम लोग, जो कलचुरी थे छत्तीसगढ़ के उन्होंने त्रिपुरी की अधीनता नहीं स्वीकारी, वैसे इसने क्या किया, जो रतनपुर वाले कलचुरी थे उसका अधीनता नहीं स्वीकारी और एक सेपरेट, एक अलग ही कलचुरी का यहाँ पर क्या हो गया, राज सत्ता स्थापित हो गया, ये याद रखें। ठीक है, 18 गढ़ों पर कब्जा कर लिया, सिंघन देव जो थे रतनपुर की प्रभु सत्ता नहीं मानी और स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने किया, इसीलिए अलग ही मिलता है ना आप लोग को। सिंघन देव के पुत्र रामचंद्र देव, ठीक है रामचंद्र देव के बारे में आप लोग काफी जानते हो, रायपुर नगर की स्थापना की और 1409 में रायपुर या लहुरी शाखा की स्थापना की। ये डेटा आपको थोड़ा सा अलग मिल सकते हैं जो पुत्र हैं, क्योंकि रायपुर शाखा में खूब सारे आपको रूलर्स के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखो। लेकिन आपका जो रायपुर शाखा की स्थापना, ठीक है एक्चुअल रूप से किसने की, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको लिया गया है पीएससी के द्वारा, केशव देव। ठीक है, केशव देव आपको दो मिलते हैं, एक बाद में भी राजा केशव देव आता है, जबकि केशव देव स्टार्टिंग में ही रायपुर जो शाखा है इसकी स्थापना किया, ये पीएससी आंसर ले भी चुका है प्रीलिम्स में जो पूछा गया था, इसलिए याद रखें। इसकी स्थापना रायपुर शाखा या लहुरी शाखा की बात करें तो केशव देव ने इसकी स्थापना की, आपके रतनपुर कलचुरी से अलग, याद रहेगा। ठीक है, और रतनपुर शाखा के शासकों ने ज्यादा प्रभाव डाला, ये बोलना चाह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपके रायपुर वाले जो क्षेत्र हैं, खल्लवाटिका आपका अलग हो जाता है और फिर बाद में जब राजधानी रायपुर हुई तब इनका कुछ देखने को मिला। ठीक है, बाद में एगेन्यू ने है ना लगभग 1400 में रामचंद्र देव ने रायपुर शहर को बसाया, फिर आपका जो राय ब्रह्मदेव थे है ना, अपने बेटे माने रामचंद्र के बेटे थे राय ब्रह्मदेव, इन्हीं के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना हुई। किसने किया, तो रामचंद्र देव ने किया, रामचंद्र देव ने अपने नाम पर नहीं रखा रायपुर, उनके बेटे का नाम था राय ब्रह्मदेव है ना, आप लोग उल्टा पढ़ते हो ब्रह्मदेव राय, एक्चुअली में वो राय ब्रह्मदेव है। ठीक है, तो उनके नाम पर रायपुर शहर की स्थापना हुई और 1404 से या 9 है ना, कोई 4 मानता है कोई 9 मानता है, मेनली 9 लिया जाता है। तो 1409 पे इन्होंने, किसने, आपका राय ब्रह्मदेव ने रायपुर अपना कैपिटल को ट्रांसफर किया और इसको कैपिटल बना दिया आपका रायपुर को।
ठीक है, तब से ये आपका कैपिटल है। 1818 में एगेन्यू, ठीक है, मराठा आएंगे तो फिर से रतनपुर वाला जीतेंगे, तो मराठा जो है अपना राजधानी रतनपुर को बनाएंगे, फिर वहां पर, ठीक है, बाद में कलचुरी जो थे वो रतनपुर के तो मराठा भी थे, फिर जब ब्रिटिश आए अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन में जब हुआ तो उसी समय पे कैपिटल को कहां शिफ्ट कर लिया गया, रायपुर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रतनपुर किला, दैट मीन्स अब हम लोग अलग अलग बात करने वाले हैं या शासकों को देखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ उसके नाम और थोड़े बहुत ओवरव्यूज देखेंगे, पूरे डिटेल में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एक एक रूलर के बारे में, इसको हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो रतनपुर, ये आप देख रहे हो, ये रतनपुर का किला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रतनपुर शाखा एक्चुअली में नहीं है, फिर भी मैंने अलग करने के लिए लिखा है, हालांकि ये शाखा आपका बिल्कुल भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि रायपुर शाखा बोलते हैं तो रतनपुर क्या है ऐसा लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, इसलिए रतनपुर शाखा। तो शाखा तो एक था, वो मेन ब्रांच था, आप ऐसा याद रख लीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ब्रांच या हेडक्वार्टर बोल रहे हैं तो भी बात वही होती है, मेन रूलर ऑफ रतनपुर, ठीक है, ब्रांच कलचुरी हो गए, तो कलचुरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, और ये आपका देखो रतनपुर का किला है, पिक्चर्स में है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसी का, ठीक है, ओवर बैक व्यूज हैं आपके क्या बोलते हैं रतनपुर के किला का, ये एक सेंट्रल हेरिटेज है, ASI प्रिजर्व्ड, ठीक है, आपका क्या है, हेरिटेज बन चुका है आज के डेट में, इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है अपने निगरानी में संरक्षण में रखा हुआ है। ठीक है, याद रखना है आपका रतनपुर का किला, देखो कितना इंपॉर्टेंट है उस समय का, आज भी आपको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर लगभग वैसे तो बहुत हुए, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट रूलर की अगर हम बात करें तो 16 लोगों के नाम जो है वो मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ आपके, ठीक है, रतनपुर कलचुरी, ठीक है, आपके रतनपुर कलचुरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले, ठीक है, आप देखिएगा कोक्कल फर्स्ट, ठीक है, इसके बेटे थे कौन, कलिंगराज, अगर मानना है तो जो कृष्णराज है, मेन कृष्णराज को भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये त्रिपुरी के कलचुरी के फाउंडर है। ठीक है, फाउंडर या संस्थापक कहां के, त्रिपुरी के, ठीक है, और यहीं पर कोक्कल फर्स्ट ये राजा बने, उन्होंने अपने बेटे को भेजा किसको, ठीक है, शंकरगढ़ देते मुग्धतुंग को, फिर इसके पिताजी आएंगे कौन, बाद में राजा बने लक्ष्मण राज, ये दो कहानी मैं बता चुका हूं, तो आप लक्ष्मण राज वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोक्कल वाले से शुरू हो गई कहानी, इसलिए मैंने पहला कोक्कल को डाल दिया। सेकंड नंबर पे आपका कलिंग राज है, जो एक्चुअल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक है आपके कलचुरी के। ठीक है, इन्होंने तुम्मान को राजधानी बनाई। फिर रत्न राज हुए कलिंग राज के बाद, सॉरी एक मिस हो गया, कमल राज है, ठीक है, कमल राज, ये याद रखना है, ये सेकंड नंबर के हैं। ठीक है, कलिंग राज के बाद कमल राज, फिर आपका रत्न राज आएगा, रत्नदेव के नाम से जिसको जानते हो। ठीक है, he was also known as रत्नदेव, रत्न राज एक्चुअल में नाम था, फिर यहां से वो रत्नदेव कहलाने लगे, और उसके बाद पूरे के पूरे देव 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 टाइटल आपको मिलेंगे। फिर पृथ्वीदेव, जाजलदेव, रत्नदेव, ऐसा आएगा। ठीक है, माने रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, ऐसा आप लिंक कर सकते हैं, फर्स्ट रत्नदेव, फर्स्ट पृथ्वीदेव, फर्स्ट जाजलदेव, फर्स्ट, फिर सेम सीक्वेंस चलेगा, रत्नदेव सेकंड, पृथ्वीदेव सेकंड, जाजलदेव सेकंड, ये देखिए। ठीक है, रत्न, पृथ्वी, जाजलदेव, फिर आपका एक आ जाते हैं जगतदेव, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बीच में कौन आएंगे, जगतदेव, फिर रत्नदेव थर्ड फिर से आएंगे, याद रखना। ठीक है, इसके बाद प्रतापमल आएंगे इसके बाद। ठीक है, किसके बाद, आपके जगतदेव के बाद आएंगे रत्नदेव थर्ड, उसके बाद प्रतापमल, फिर प्रताप मल्ल के बाद लगभग 200 से 250 साल का जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ जानने को नहीं मिलता, कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्या हुआ, कहाँ बिखर गए, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो आप दो चीज़ों को याद रखिएगा, अकबर और औरंगजेब को, अकबर और औरंगजेब के समकालीन कंटेम्प्ररी दो इंपॉर्टेंट रूलर जो हैं आपको मिलेंगे आपके। ठीक है, इसमें याद रखना किसको, कल्याण साय को, कल्याण साय आपका, ठीक है, किसके कंटेम्प्ररी, अकबर के, याद रखना, कोई बोल रहा है अकबर के इसके दरबार में गया था, कोई कहता है जहांगीर के, लेकिन वो दोनों के कंटेम्प्ररी था। आज बाबू रेवाराम की हम लिपि देखें, जिन्होंने तवारीख ऑफ हैवन से लिखी, दैट मीन्स कलचुरियों का इतिहास लिखा, वो कहते हैं कि भाई जो आपके कल्याण साय है वो अकबर के दरबार में गए, लेकिन जो तुझो के जहांगीरी है, और गोपल्ला गीत वहां पर आज भी सुनने को मिलता है, ठीक है, सरगुजा अंचल पे, ठीक है, आदिवासी जो गाते हैं वहां पर, ये बताया जाता था कि जो कल्याण साय है वो किसके दरबार में गया, तो जहांगीर के दरबार में गया, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल्याण साय को याद रखना,
इनके फादर है बहारेंद्र साय, इन्होंने राजधानी बाहर कर दिया, दैट मीन्स कुछ तो इशू हुआ होगा। बहारेंद्र साय ने अपनी राजधानी छुरी कोसगई को बनाई, फिर से वापस रतनपुर से कहा छुरी कोसगई, कोसगई नाम है, छुरी वहां पर जगह है, कोरबा में पड़ता है, ठीक है। और वहां पर कोसगई माता का टेम्पल बनवाया, क्यों, कोषागार बनवाया, कोषागार जहां पर धन धान्य रखा जा सके। तो इनकी राजधानी कहीं परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी, कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। और 200 से 250 साल के बीच में अंधकार युग बोला जाता है इनको, है ना, प्रताप मल के बाद जो है वो नहीं दिखाई देता। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग पूरे डिटेल में एक एक रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या किया, ठीक है, क्या क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है, आर्किटेक्चर हो, इन सब चीज़ों पर, ठीक है। फिर याद रखना कल्याण साय, इसके पिताजी बहारेंद्र साय और इसके बेटे हैं लक्ष्मण साय, ये तीन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको राज सिंह को याद रखना, ठीक है, इसमें कुछ चीजें मिस हैं, याद रखना, जैसे कल्याण साय, कल्याण साय ये अकबर के कंटेम्प्ररी होंगे, अकबर, है ना। फिर औरंगजेब वाला याद रख लेना, औरंगजेब में राज सिंह, जैसे कि कल्याण साय के बेटे हैं आपके बहारेंद्र साय, बहारेंद्र साय, इसको बाहर साय भी बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना। इनके बेटे हुए लक्ष्मण साय, ठीक है, ये बंदोबस्त, जमाबंदी प्रणाली, इन सब चीजों के ज्ञाता माने जाते हैं, याद रखना। राज सिंह के पिता, ठीक है, याद रखना, तखत सिंह, ठीक है, राज सिंह के पिता तखत सिंह। और यहां पर आपको फिर सीधा सीधा रघुनाथ सिंह मिलेंगे, ठीक है, तखत सिंह, राज सिंह और रघुनाथ सिंह। तो ये रघुनाथ सिंह को ही अंतिम शासक माना जाता है, लेकिन इसके बाद एक और शासक हुए मोहन सिंह, याद रखना मोहन सिंह। ये मोहन सिंह अंतिम कलचुरी शासक है, लेकिन मराठा अधीन है, याद रखना। लेकिन अंतिम स्वतंत्र शासक आपका रघुनाथ सिंह है, ठीक है, वो काफी बूढ़े हो चुके रहते हैं, उनके एकमात्र पुत्र रहता है, उसकी भी मृत्यु हो जाए रहती है, तो पुत्र गम में, ठीक है, डूबे हुए रहते हैं। इतने में अचानक मराठे के जो सेनापति भास्कर पंत, वो हमला कर देता है, ठीक है, रतनपुर में, और वो क्या करता है, सीधा सीधा सरेंडर कर देता है, क्योंकि वो लड़ने के उसमें रहता ही नहीं है, ठीक है। यहां से फिर जो 750 साल लगभग शासन करने वाले, जो कि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखें तो सबसे लंबा शासन करने वाला एक वंश है, राजवंश कलचुरी, आज भी इनका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, चाहे आप अपने घर के पारिवारिक जीवन पे देखें, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वगैरह थे, ठीक है, इनके जो मापने की इकाई वगैरह है, ये सारी चीजें, पोस्ट वगैरह है, ये आज भी देखने को मिलता है, ठीक है, कलचुरियों को। तो ये रघुनाथ सिंह लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कलचुरी, याद रखेंगे, ठीक है। रतनपुर का बाद में मेनली अलग हो गए, पहले छत्तीसगढ़ के थे, फिर मोहन सिंह, और ये फर्स्ट अंडर मराठा रूलर भी हो गए, क्यों, क्योंकि यहां पर जब भास्कर पंत ने इसको हराया तो उसका गद्दी नहीं छीना, खुद नहीं बैठा, उसको राज करने दिया, ठीक है। 1741 तक इन्होंने इंडिपेंडेंट रूल किया, 1741 में भास्कर पंत ने अटैक किया, वो एक्चुअली में उड़ीसा विजय अभियान पर जा रहा था, उसको खाने पीने की जरूरत थी, नागपुर साइड से आया था वो, ठीक है, तो इससे मदद मांगने के लिए 3-4 बार लेटर लिखा, वो गम में था तो उसको समझ में नहीं आया, रिप्लाई नहीं किया, तो उसने अटैक कर दिया और वो सरेंडर कर दिया सीधा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इनकी 3-3 रानियां थी, उन्होंने ही सरेंडर कर दिया, ये तो निकले भी नहीं थे। फिर मोहन सिंह जब आएंगे, ये एक्चुअली में राज सिंह जो है ना, इसको घोषित किया था अपना उत्तराधिकारी, ठीक है। राज सिंह राजा बनाना चाहता था मोहन सिंह को, लेकिन बना दिया रघुनाथ सिंह को, जिसके कारण ये मराठों से मिल गया, ठीक है। क्यों मिला, कैसे मिला, वो डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो अंतिम रूलर, लास्ट रूलर, ठीक है, और ये कैसे रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे या अंडर मराठा रूलर है, इसके बाद ही बिंबाजी जो है वो आएंगे, फिर हमारा मराठा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका कहानी। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखें, ठीक है, है ना, ये आपके इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। फिर रायपुर शाखा के जो इंपॉर्टेंट आपके रूलर थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, नाम वगैरह, ठीक है, ये कुछ है, जैसे कि हमने देखा अब रतनपुर वाला, अब रायपुर में कैसा, तो रायपुर में लक्ष्मीदेव, ये प्रथम मिलता है लक्ष्मीदेव, याद रखना, ये प्रतिनिधि था रतनपुर वाले का, ठीक है, ये प्रथम शासक हुआ, इनकी राजधानी थी खलवाटिका, वहीं से ये मैनेज करते थे। लेकिन इनके संस्थापक, याद रखना, संस्थापक किसको लिया गया है, तो केशव देव को लिया गया है, ठीक है। सिंघण देव 18 गढ़ को जीता था, इनका बेटा था, याद रखना। रामचंद्र देव रायपुर नगर की स्थापना किया,
राय ब्रह्मदेव, ये रायपुर वाला इतने ही है, हम लोग रतनपुर वाले को ना अच्छे से करेंगे और, ठीक है। राय ब्रह्मदेव रायपुर को राजधानी बनाया और खल्लारी में इसी के शासनकाल में, ठीक है, जो जगन्नाथ फेमस टेम्पल है या नारायण टेम्पल बोलते हैं, जगन्नाथ मंदिर, इन्हीं के शासनकाल में निर्माण हुआ। देवपाल मोची ने करवाया था भाई, याद रखना। देवपाल मोची का नाम जो है वो मिलता है उसके खल्लारी शिलालेख में वर्णन है, और खल्लारी शिलालेख में ही पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के नाम उल्लेखित है। कहाँ कहाँ थे, 18 इनके अंडर आ गया और 18 रतनपुर वाले, इसीलिए वो छत्तीसगढ़ से वो छत्तीसगढ़ बना, हमारा नामकरण आपको पता ही है। इन्होंने फणी नागवंशी जो शासक थे मोनिंगदेव, इनको पराजित भी किया। ये बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका फणी नागवंशी मतलब कहां पर, कवर्धा वाले रीजन पे, जिन्होंने आप लोग का, ठीक है, गोपाल देव हुए एक, उन्होंने भोरम देव का जो टेम्पल, फेमस टेम्पल है आज का, ठीक है, वो मंदिर बनवाया था, ठीक है। फिर ये 5, 6, 7, 8 होंगे ऐसा, है ना। और भी रूलर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रूलर्स, सिर्फ इनके नाम है भैया, है ना, इतने ही नहीं थे। केशव देव रायपुर शाखा का वास्तविक, जो वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, ठीक है, बाद में हुए क्योंकि इन्होंने विस्तार वगैरह किया। भुवनेश्वर देव रायपुर के किले का निर्माण करवाया था, रायपुर का जो पुराना किला है, जैसे रतनपुर का किला, रायपुर का किला, तो सब खंडहर हो गए, ठीक है। फिर अमर सिंह देव, याद रखना यही अंतिम राजा था, अमर सिंह देव अमर हो गया सीधा, ठीक है, इसलिए अंतिम रूलर कहां का, रायपुर के कलचुरी शासकों का अंतिम रूलर, लास्ट रूलर था अमर सिंह देव। आप लोग याद रखें, बिंबाजी वगैरह जब आएंगे तो वो दोनों को पराजित कर देते हैं, ठीक है। फिर शिवराज सिंह इनके बेटे हुए, वो तीर्थ यात्रा पर चल दिए रहते हैं, ठीक है, बाद में आते हैं। फिर मराठा के अधीन शासक हुआ, ठीक है, उड़ीसा के सोमवंशी शासक जो थे स्वर्णपुर, ठीक है, इन्होंने भी पराजित किया था इनको, शिवराज सिंह को, हालांकि अंडर मराठा थे फिर भी वो पराजित हो गए, याद रखना, ठीक है। तो शिवराज सिंह बाद में आते हैं, अंतिम जो शासक आते हैं, ठीक है, वो है अमर सिंह देव, ये स्वतंत्र शासक है ना, याद रखना, इसलिए जैसे रघुनाथ सिंह का हमने देखा था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी देव, सिंघन देव, रामचंद्र देव और राय ब्रह्मदेव, इसके बाद केशव देव आएंगे, भुवनेश्वर देव आएंगे, अमर सिंह देव आएंगे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर शिवराज सिंह एक आते हैं बाद में, जो कि मराठा के अधीन रहते हैं, और उड़ीसा के जो सोमवंशी शासक थे उन्होंने भी उनको हरा दिया था। तो कलचुरियों में इसको और डिटेल में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु, कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ 36 गढ़ों में बटा था, ये गढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, प्रशासनिक इकाइयां थी, जैसे आज संभाग हैं, जिले हैं आज, वैसे ही ये गढ़ हुआ करता था, और गढ़ सीधा राजा के अंडर आता था, जैसे जिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक गढ़ के अधीन 7 बरहो और एक बरहो के अधीन 12 गांव आते थे, इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था में एक ओवरव्यू है, ठीक है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए दीवान, दाऊ और गोटिया, ठीक है, कहां पर, दीवान आपके गढ़ में, दाऊ बरहो में, गोटिया गांव में, ये नियुक्त की जाती थी, इनकी जिम्मेदारी रहती थी। ये शैव धर्म को मानने वाले थे, इनका संरक्षण दिया जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में शिव और विष्णु दोनों के मंदिर इन्होंने बनवाए हैं, याद रखना। जाजल देव का भी फेमस आपको मंदिर देखने को मिलता है, भगवान विष्णु का नक्टा मंदिर, ठीक है, जांजगीर में बना हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिव मंदिर में अगर हम बात करें, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहां बना है आपका, रत्नेश्वर, रत्नदेव ने बनवाया, ठीक है, कहां पर, तुम्मान में बनवाया था, रतनपुर में नहीं, याद रखना, ठीक है। रत्नेश्वर मंदिर ये आपका तुम्मान में है, एक्चुअली में, है ना, ये यहाँ नहीं है, रतनपुर में, रतनपुर में माता महामाया का टेम्पल है जिस बनाया। बंकेश्वर मंदिर तुम्मान में बनवाया, ठीक है। मल्हार का शिव मंदिर ये भी कलचुरियों ने बनाया। इनके अलावा मल्हार, पाली, नारायणपुर, खरौद और जांजगीर से प्राप्त भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर भगवान विष्णु के मंदिर की अगर हम बात करें तो जांजगीर अर्धनिर्मित, जिसको अर्धनिर्मित होने के कारण नक्टा मंदिर कहा जाता है। रतनपुर में शिवरी नारायण का टेंपल, ये इन्होंने बनवाया था। नारायण आपका जगन्नाथ मंदिर, ये कहां है, खल्लारी में है। इसके अलावा रतनपुर से लक्ष्मी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, याद रखना। इनका जो कुल देवी थी, कुल देवी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी को मानते हैं, याद रखना, ठीक है। और माता जो है आपके रतनपुर में, माता महामाया का टेंपल, उसको राजा रत्नदेव ने बनवाया था, ठीक है, आपका 1049 माने 11वीं सदी में, 1150 भी ले लेते हैं कहीं कहीं पर, 1049 पर मेनली रत्नदेव ने माता महामाया का टेंपल रतनपुर में बनवाया था। रतनपुर नया तहसील भी बन गया, इतने दिन से नहीं था भाई, याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस थी आज की हिस्ट्री वाली। ये रायपुर का आपका एयरपोर्ट है, देखो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, तो रायपुर वाले क्षेत्र में जो जो हुए, ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि ये आपका घरेलू विमानपत्तन है, ठीक है, आपका हाउस होल्ड, मतलब घरेलू बोलते हैं ना हम लोग, ये याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, सिंपल, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है भाई, ठीक है। ये आपका पिक्चर से देखो, ये रनवे वगैरह दिख रहा है, काफी अच्छा दिख रहा था तो मैंने आपको डाला, ये आपके काम की चीजें हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन डाउट्स वगैरह हो, आज के क्लास में इतना ही है, ठीक है। आपको सोमवंशी के बारे में काफी डिटेल में जानने को मिला होगा, कांकेर का भी सोमवंश हमने कंप्लीट किया, दक्षिण कोसल के सोमवंश में आपका पूरा आ गया, उड़ीसा और मेकल वाले क्षेत्र दोनों, कांकेर का एक अलग है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हमने कल्चुरियों का पूरा ओवरव्यू देखा, ठीक है, इसमें रायपुर का लगभग लगभग कर लिया, उसमें कुछ खास नहीं मिलते हैं। आपका रतनपुर के जो कल्चुरी हुए, कलिंगराज से लेकर के रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह तक, बहुत डिटेल में क्वेश्चन जो है वो आते हैं, एक एक रूलर्स के भी, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे अगले वीडियोस में, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कल्चुरी, है ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपका प्रीलिम से, तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप फ्री हैं, हमको बिल्कुल पूछिए, कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।